ओम शांति। बाबा कहते अब अंत का भी अंत समय है, अब सर्व बंधनों से मुक्त बन जाओ, अर्थात ड्रेस को ऐसा लूज बना लो कि जब बाबा इशारा करे और हम बच्चे ड्रेस को छोड़कर बाबा के पास पहुंच जाएं, जिसके लिए बाबा विशेष युक्ति बताते हैं। एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, एक बाप को बाप टीचर सदगुरु साजन प्रियतम बंधु सखा सर्व संबंधों से याद करो। एक भी संबंध रह गया तो बाबा कहते वही संबंध रोक लेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब हम हर संबंध उस एक पिता परमात्मा से लगा लेंगे तो हर संबंध का आकर्षण ऊपर परमधाम ही बन जाएगा। तो खुद को न्यारा एक बाप का प्यारा बनाने के लिए, एक बाप के सदा प्यार में समाये रहने के लिए सच्चे सच्चे साजन की सजनी बन जाना है। तो आज अमृत बेला में हम भाई बहन स्वमान लेंगे, मैं आत्मा एक साजन के प्यार में समाई सच्ची सजनी हूं। जब अमृत बेला से हम इस स्वमान का अभ्यास करेंगे, इस स्वमान की सीट पर सेट होकर सच्चे साजन को याद करेंगे, सच्ची सजनी बन जाएंगे, तो दिन भर हमारी स्मृति में यह रहेगा कि वह हमारा साजन है, प्रियतम है। अब घर जाना है, उस एक बाप को ही याद करना है। तो स्मृति पक्की करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में स्वमान जरूर लिखें, अनुभव करें अपने सम्मुख पिता निराकार परमात्मा को परमधाम में। मैं निराकार आत्मा, पिता निराकार परमात्मा के सम्मुख निराकारी दुनिया परमधाम में हूं। परम धाम जो मेरा अविनाशी घर है, परम पिता परमात्मा मेरा अविनाशी पारलौकिक पिता है। मैं आत्मा अविनाशी निराकार बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। बाबा कहते हे आत्मन, स्वयं को जानो, तुम्हारा जन्म सिर्फ परिवार रिश्ते नाते द्वारा दुख पाते रहने के लिए नहीं हुआ है। अपितु इस हीरे तुल्य
अमूलक जीवन में अविनाशी परमपिता परमात्मा को। यथार्थ रीति पहचान कर उनसे मिलन मनाना है। अपना 84 जन्मों का अविनाशी वर्षा प्राप्त करना है। वो अतींद्रिय सुख जो गोप गोपियों का गाया हुआ है, स्वयं को उस गोपेश्वर की गोपियों के ईश्वर की सच्ची सच्ची गोपी का जान उस अतींद्रिय सुख का रस लेना है। आप ही वह सच्ची गोपिका हो। एक साजन की सच्ची सच्ची सजनी हो। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा एक साजन के प्यार में, समाई रहने वाली सच्ची सजनी हूं। मैं आत्मा एक साजन के प्यार में, समाई रहने वाली सच्ची सजनी हूं। मैं आत्मा एक साजन के प्यार में, समाई रहने वाली सच्ची सजनी हूं। बाबा कहते हे आत्मन, आप ही वह सच्ची सच्ची गोपिका हो। जो मुरली सुनकर दुनिया के सब रिश्ते नातों को छोड़ लोक लाज और शर्म को त्याग दौड़ी चली आती थी अपने रहबर के पास,
अपने प्रियतम अपने गिरधर के पास। हे मुरली की दीवानी, मुरली की धुन पर मगन होने वाली राधे, आओ अपने गिरधर अपने मोहन के पास। अपने सच्चे सच्चे साजन के पास दौड़ी चली आओ। अपने अविनाशी साजन की याद में समा जाओ। अपने साजन के पास दौड़ी चली आओ। देखो तुम्हारा शिव साजन, कितने प्यार से बाहें पसारे हुए, तुम्हें बुला रहा है आओ मेरी सजनी आओ। तो अनुभव करें स्वयं को, मैं आत्मा एक साजन के प्यार में, समाई रहने वाली सच्ची गोपिका हूं। मैं आत्मा एक साजन के प्यार में, समाई रहने वाली सच्ची सजनी हूं। मैं आत्मा एक साजन के प्यार में, समाई रहने वाली सच्ची सजनी हूं। बाबा कहते हे आत्मन, अपने अविनाशी सुहाग के पास आ जाओ। अब तुम्हारे दुख के दिन दूर हुए, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूं। जिस परमात्मा साजन को तुम
अज्ञानता में भी 63 जन्मों से पुकार रही थी। तुम्हारा वो ही परमात्मा साजन, तुम्हारी पुकार पर समय अनुसार तुम्हें वापस अपने घर ले जाने। तुम्हारे अपने घर लेने आया है। तो आओ, अब अपने सब हिसाब किताब को मुझ साजन की याद से चुकतू करो। अब अपने सब कार्मिक खातों को मुझ साजन की निरंतर याद के बल से चुकतू कर अपने घर की तैयारी करो। इस विनाश के कगार पर खड़ी मनुष्य सृष्टि पर अब आपका यही श्रेष्ठ कार्य है। देखो प्राकृतिक आपदाओं को, निरंतर विनाश लीला को करीब आते, ऐसी दुख देने वाली दुनिया का अब विनाश निश्चित है। तो अब इस पुरानी दुनिया से पुरानी देह से देह के संबंधों से खुद को मुक्त करो। और एक परमात्मा साजन को सर्व संबंधों से याद करो। मैं ही तुम सजनियों का सच्चा साजन हूं। तो अनुभव करें मैं आत्मा, एक साजन के प्यार में समाई,
सच्ची सजनी हूं। मैं आत्मा एक साजन के प्यार में समाई, सच्ची सजनी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा एक साजन के प्यार में, समाई रहने वाली सच्ची सजनी हूं। अच्छा, कल अमृत वेला में 4 बजे नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।